एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो इससे क्लस्टर मीटर में कैसा चेकिंग लाइट जो है ना फ्लैशिंग कर रहा है। हाय फ्रेंड, तो ये हुंडई का वरना गाड़ी है, 2011 मॉडल है, 1.6 पेट्रोल इंजन। एक्चुअली इसमें क्या है ना, मिसिंग का प्रॉब्लम गाड़ी में, और ये गाड़ी जब भी रनिंग करेंगे या आइडल कंडीशन में, ये गाड़ी में क्या है ना चेक इंजन लाइट फ्लैशिंग करता है, यानी ब्लिंक करता है, ये प्रॉब्लम इसमें है। और पिकअप इसका डाउन है, और जब भी चेक इंजन लाइट इसका ब्लिंक नहीं करता उस समय इसका पिकअप रहता है, जैसा चेक इंजन लाइट ब्लिंक करेगा वापस इसका पिकअप डाउन हो जाता है। एसी में भी ये ब्लिंक करता है इसका चेक इंजन लाइट क्लस्टर मीटर में, और नॉन एसी में भी, दोनों में प्रॉब्लम दे रहा है अपने को। और इसमें ये प्रॉब्लम है, अभी मैंने इसको स्कैन किया हुआ है, बट इसमें इसके ईसीएम में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में कोई फॉल्ट कोड अपने को शो नहीं कर रहा है। जैसे कि अपने को चेक इंजन लाइट जो ब्लिंक कर रहा है उसके रिलेटेड अपने को इसमें फॉल्ट कोड शो करना चाहिए स्कैनर में, बट इसमें शो नहीं कर रहा है, तो अभी इसको हम मैनुअली चेक करने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो इससे क्लस्टर मीटर में कैसा चेक इंजन लाइट जो है ना फ्लैशिंग कर रहा है। अपना गाड़ी स्टार्ट है अभी इस समय, तो अभी इसको मैं हेल्थ रिपोर्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है अपना स्कैनर में। तो ये मैं स्कैन कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में कोई फॉल्ट कोड नहीं शो कर रहा है, देख सकते हो नो फॉल्ट कोड आ रहा है सब। और यहाँ पे चेक इंजन लाइट जो है कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, जो कि आप क्लस्टर मीटर में इधर देख सकते हो, बट इधर स्कैनर में इसके ईसीएम में कोई फॉल्ट शो नहीं कर रहा अपने को, नो फॉल्ट आ रहा है। एसी में दिखा रहा है, बीसीएम में दिखा रहा है। एक्चुअली एसी में एक है और ये अपना सेंसर है, लेफ्ट रियर सेंसर राइट रियर सेंसर का फॉल्ट कोड दिखा रहा है, इसका ऑयल इंजन टेम्परेचर का दिखा रहा है, जनरेटर लैम्प टर्मिनेटर सर्किट हाई का दिखा रहा है, पर हिस्ट्री में करंट में कोई फॉल्ट कोड नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट में कोई फॉल्ट कोड नहीं है, जो कि जैसे कि आप ये चेक इंजन लाइट जो ब्लिंक कर रहा है इस कंडीशन में अपने को इस समय फॉल्ट कोड शो करना चाहिए, बट कोई फॉल्ट शो नहीं कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फॉल्ट कोड, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉल्ट है ये। एक बार वापस मैं बैक जाता हूँ और सिर्फ इसको ईसीएम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को रीड करता हूँ, देखते इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में कुछ फॉल्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और चेक इंजन लाइट जो है ब्लिंक कर रही है रेड द फॉल्ट कोड, तो इधर आप देख सकते हो कोई फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे चेक इंजन लाइट जो है क्लस्टर मीटर में ब्लिंक कर रहा है। एक काल भी अपने को मतलब इसके क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट फ्लैशिंग कर रहा है, बट इसमें अपने कोई फॉल्ट कोड इंजन से रिलेटेड कोई फॉल्ट इसमें अपने को शो नहीं कर रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको मैनुअली चेक करेंगे, इसका स्पार्क प्लग हो गया और इग्निशन कॉइल वगैरह वायरिंग जो भी कुछ है इसका भी हम मैनुअली चेक करेंगे। तो दिखाते हैं आपको, जो भी हमें प्रॉब्लम मिलेगा हम आपको शेयर करेंगे, तो वीडियो को देखते रहे। तो अभी हम इसका स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल सब चेक करने वाले हैं। ओके, देख सकते हैं अभी इसका हमने बोनट खोला हुआ है, सर देखने में तो अभी नॉर्मल लग रहा है, बस हल्का मिसिंग दिख रहा है। तो अभी एसी ऑन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होता है, दिखाता हूँ। ये मैंने एसी अभी ऑन किया, तो देख सकते हो अभी मैंने एसी का ऑन किया, ये काफ़ी ज़्यादा मिसिंग करने लगा, देख सकते हो कैमरे में क्या बराबर वो कवर नहीं होता इसका इंजन माउंटिंग, अगर आप देख सकते हो इंजन माउंटिंग से काफ़ी ज़्यादा ये मिसिंग कर रहा है अभी। तो अभी खोल के इसका हम स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल को चेक करने वाले हैं। खोलो, देख सकते हो कैसा मिसिंग कर रहा है, एसी ऑन करने पे और ज़्यादा मिसिंग करने लगता है ये। तो यहाँ पे तो अपने को इसका इग्निशन कॉइल तो डाला हुआ दिख रहा है, तीन कॉइल अपने को, ये इसमें एक दो तीन कॉइल देख सकते हो आप, तीन कॉइल ये नया डाला हुआ है पहले का, ये एक कॉइल अपना इग्निशन कॉइल जो है पुराना दिख रहा है अपने को, कॉइल किसी ने चेंज किया है पहले इसको, ये गाड़ी का कॉइल जो है ना चेंज हो चुका है, तीन कॉइल यहाँ पे आप देख सकते हो, बट एक चेंज नहीं हुआ है। और अपना स्कैनर में भी कोई अपने को फॉल्ट कोड शो भी नहीं कर रहा है, कभी मतलब ऑयल भी नहीं है इसमें, सब बराबर है, ये भी सही है। अभी इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हो इसका हमने स्पार्क प्लग खोला हुआ है, ये अपना एक नंबर में और अपने को चार नंबर में प्रॉब्लम दिख रहा है, स्पार्क प्लग भी काफ़ी गीला गीला है, ऐसा लग रहा है आप इसका अपना इग्निशन कॉइल का प्रॉब्लम अपने को लग रहा है, बट इसका प्लग हमने खोला है चेक करने के लिए। तो अभी इसको प्लग को हम क्लीन करके वापस से फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अपना प्रॉब्लम जो है ना ये अपना इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम है। तो अभी प्लग को मैं क्लीन करके फिटिंग करने वाला हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉब्लम किधर है। ओके, इसका स्पार्क प्लग हमने क्लीन किया, अभी इसको वापस ये स्पार्क प्लग फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ये ठीक ही लग रहा है, पर चेक करने के लिए हमने खोला था प्लग का क्या कंडीशन है। तो प्लग को देखने के हिसाब से मालूम पड़ रहा है अपने को ऐसा इग्निशन कॉइल ऐसा इसका वीक लग रहा है अपने को,
इसको भी टाइट कर रहे प्लग हम, इसका टाइट करो उसका स्पार्क प्लग तो टाइट। इधर देख सकते हैं इसका एक नंबर का कॉइल जो है ना नया डाला हुआ था, ये गाड़ी का ये ख़राब है क्योंकि मिशिंग कर रहा है, मैंने कॉइल चेंज किया और इसको मैं कट का निशान मार, कॉइल ख़राब है। गाड़ी बंद कर, यहाँ पे निकालता हूँ इसको भी, ये दूसरा मैं डालता हूँ, ये दूसरा कॉइल डाल रहा हूँ मैं अभी इसमें, क्योंकि तो इसमें मैंने दो कॉइल अभी डाला है। ये स्टार्ट कर अभी, गाड़ी शांत हो गई, इधर देख सकते हो गाड़ी एकदम साइलेंट हो गया है। देख सकते हो अपना ना इसमें एक ही कॉइल ख़राब था, एक नंबर का कॉइल, जिसको हमने इधर पे एक नंबर कॉइल हमने इधर पे चेंज किया है, बाकी इसका सब पुराना ही कॉइल है। ये वाला अपना ख़राब था, ये वाला कॉइल वापस मैं आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। बंदर गाड़ी जरा, कर स्टार्ट, कर एसी ऑन। देख सकते हो मशीन करने लगा, इधर देख सकते हो कैसे उसका माउंटिंग हिलने लगा पूरा, काफी मशीन करने लगा, ये देख सकते हो। बंदर गाड़ी, इसको मैं वापस से चेंज कर देता हूँ, देखिए निकालने पे भी ये काम नहीं कर रहा है, तो एक कॉइल में इसमें ये चेंज कर रहा हूँ। कर गाड़ी स्टार्ट कर, देख सकते हो कैसा ये इंजन माउंटिंग पूरा वाइब्रेट कर रहा था, ये एकदम साइलेंट है। एसी ऑन कर, देख सकते हो गाड़ी अपना एसी ऑन है, एकदम साइलेंट है गाड़ी। तो अपना इसमें एक इंजन कॉइल जो था ये शॉर्ट था, इसके लिए अपने को प्रॉब्लम आ रहा था, चेक इंजन लाइट जो है ब्लिंक कर रहा था, इंजन मिशिंग कर रहा था, पिकअप में भी गाड़ी दब रहा था, तो हमने सिर्फ ये कॉइल चेंज किया। ओके, तो इसका एक फाइनल बोल्ट मैंने टाइट कर दिया इधर पे, अब इसको फाइनली पूरा पैक कर देता हूँ। अपना ये फाइनल टाइट हो गया कवर, ये देख सकते हो गाड़ी अपना एकदम स्टेट है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इसका एक इग्निशन कॉइल खराब था, हटा दे सब इसका, ये हमने एक इग्निशन कॉइल चेंज किया सिर्फ। अभी आप देख सकते हो मैंने इसमें फिटिंग कर दिया हुआ इग्निशन कॉइल इसका, और अभी अपना एसी भी ऑन है, यहाँ पे कोई इसमें चेक इंजन लाइट भी मिशिंग नहीं कर रहा है, अपना प्रॉब्लम अभी क्लियर हो चुका है, जो कि इसमें प्रॉब्लम था इसका इग्निशन कॉइल का ही। देख सकते हो गाड़ी को मैंने अभी ट्रायल पे लिया हुआ है, और इसके गाड़ी में कोई चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, गाड़ी एकदम परफेक्ट अपना भी चल रहा है, ये आप देख सकते हो। जो कि पहले ये मिशिंग कर रहा था गाड़ी काफी, और गाड़ी में पिकअप भी बरोबर नहीं था, अभी गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो आपने देखा इसमें क्या एक्चुअली क्या है ना, इसका इग्निशन कॉइल का इशू था, जो एक नंबर का इग्निशन कॉइल वीक था, इसके लिए गाड़ी मिशिंग कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो कर दे सकते हैं मैं इसको वापस से रिटर्न स्कैनिंग कर रहा हूँ, जो कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी। ये मैं यहाँ पे स्कैन किया हुआ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहले अपना प्रॉब्लम दिखा रहा था, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का यानी बीसीएम में फोल्ड अपने को शो कर रहा था, रिवर्स सेंसर वगैरह का जो है इसका प्रॉब्लम था, वही प्रॉब्लम अभी भी अपने को शो कर रहा है, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन से रिलेटेड इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ इसमें रिवर्स सेंसर का प्रॉब्लम अपने को शो कर रहा है। ओके।